So, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, Seth R. N. Rohia Government College, Ramgarh Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. We start our new topic of heterostatic compounds first, as per our syllabus, right? This is our part 9. यहाँ पर BSc पार्ट थर्ड फाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर हम मैंने आपको एट्थ पार्ट में फ्यूरिन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में बताया था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि फ्यूरिन में पिरोल की तरह इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, फ्यूरिन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पिरोल की तरह दो पोजिशन पर यहां पर होती है। अब इसको हमें जस्टिफाई करना है कैसे होती है। ऑल्दो मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे पिरोल और फ्यूरेन में रिएक्शन होती है टू पोजीशन पर, सेम रिएक्शन थायोफिन में भी होती है, राइट? तो लेकिन इसको यहां पर बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है यहां पर? क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं, हेड्रोएटम यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में एक रेडियोमेटिक स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, प्लस। बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच हैविंग यू नो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड द फर्स्ट इज फ्लोरीन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दैट हियर ऑक्सीजन इज हैविंग 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? तो यहां पर मैंने लिखा है दिस इज मोस्ट स्टेबल, राइट? लेकिन यहां पर होता यह है कि इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई फ्यूरेन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, हम देखते क्या है कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज का अटैक टू पोजिशन पर होता है, नाउ दिस अटैक्स हियर, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे देन यहां पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा। नाउ दिस पॉजिटिव कम्स, दिस पॉजिटिव चार्ज कम्स हियर, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। फर्दर हम क्या देखते हैं, डीलोकलाइजेशन, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर, एंड फर्दर दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ आयन, राइट? यहां पर हम देखते क्या है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2, 3। अब हम देखते हैं थ्री पोजीशन पर जब अटैक होता है, तो बच्चों जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो द डेफिशिएंसी कम्स हियर, इलेक्ट्रॉन न्यूनता यहां पर आती है, राइट? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन, यहां पर यह आयन एक अनुनादी संरचना की बात बनता है। That's why what I am writing here, this is less stable, right? This structure is formed after two resonating structures, so that this is stable, right? यहां पर मैंने जो बात कही है कि अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि टू पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2, 3, वाइल एट थ्री पोजिशन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से दो, हियर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। बच्चों जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, दिस इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट? हम जानते हैं यहां पर कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिक्सेट में उपलब्ध तो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उपलब्ध तो होता है बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन हैविंग 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी का मान कम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अतः फ्यूरेन की
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम होती है। कुल मिला के बात यह है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से मतलब यहां पर यह है, माइनरनेस ऑफ द एलिमेंट, कंजूस होने की प्रकृति। मैं अमीर तो हूं लेकिन कंजूस बहुत हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी पुअर पर्सन को, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट नहीं करूंगा, सो दैट मेरी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। एग्जैक्टली यहां पर यह हो रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन मेरी टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज आई एम माइजर। फाइन नाउ, तो ऑब्वियसली यहां पर रेजोनेंस एनर्जी इज लो एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, सो दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज स्लोअर इन फ्यूरिन। सो दैट्स ऑल। नाउ फर्दर वी स्टार्ट अवर रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द नेक्स्ट, इज गटरमैन कोश रिएक्शन। तो दिस इज द गटरमैन कोश फॉर्मलाइजेशन, दिस रिएक्शन इज फॉर्मलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट्स गोइंग ऑन, वेल फ्यूरिन रिएक्ट विद HCl एंड HCl, नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस, दिस इज परफ्यूरिन, फ्यूरिन का एल्डिहाइड। नाउ द सेकेंड रिएक्शन, दिस इज फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, AlCl3। जनरली हम फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं, BF3, AlCl3, FeCl3, दीज आर द कैटलिस्ट वी यूज इन द फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। नाउ हमें एक बात और पता है कि देर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन द फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। क्लियर, हियर वी आर यूजिंग AlCl3। तो होता क्या है, दिस AlCl3 इज ए इलेक्ट्रॉन न्यू यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। सो दैट ये क्या करता है, ये फ्यूरिन के इसके साथ, AlCl3 इज द ऑलरेडी, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, किसी सेठ जी के मुनीम को हम किसी एक भिखारी को सेठ जी का मुनीम बना दें। यहां पर AlCl3 क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, उसको तो आने नहीं देगा, ये खुद इससे रिएक्शन करने लग जाता है। क्लियर, सो दैट यहां पर मैंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा है कि AlCl3 रिएक्ट विद फ्यूरिन, सो दैट दिस रिएक्शन अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। यहां पर ये जो कैटलिस्ट है, इसको अपन क्या बोले कि उस खेत की रखवाली कौन करेगा जिसको खेत की बाढ़ ही खाना शुरू कर दे, राइट। हम खेत की बाढ़ इसलिए लगाते हैं हमारी फसल की सुरक्षा के लिए। यहां पर जिस कैटलिस्ट को फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक आइडियल कैटलिस्ट माना जाता है, तो यहां पर ये कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, वो खुद ही इसके साथ रिएक्शन करने लग जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑक्सीजन, राइट। Because AlCl3 is electron deficient compound. Now further, what we are using here? We are using this stannic chloride. This is Sn plus 4. Sn 2 plus stannic. This is we using SnCl4, stannic chloride. Right? So we are not using here AlCl3. Because AlCl3 reaction ko proceed karne ki jagah khud hi फ्यूरिन के साथ रिएक्शन करने लगता है, तो वी आर यूजिंग हियर स्टैनिक क्लोराइड। नाउ यहां सिर्फ एसिडाइलेशन होता है, यहां सिर्फ एसिडाइलेशन यहां पर सिर्फ एसिडाइलेशन होता है, क्योंकि एल्काइलेशन की क्रिया में फ्यूरेन का बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, राइट। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, एंड ये सब किसकी वजह से है, हेट्रो एटम की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से।
So what we are using here? Furan react with acetic anhydride. मैंने मेरे कई lectures में बताया है. Acetic acid से removal of water molecule, then formation of anhydride. Anhydride means removal of water molecule. So furan react with acetic anhydride with ether and BF3. BF3 is what? Boron trifluoride. यहां पर बच्चों ये जो this is the उप सह संयोजक बंध, right? Coordinate bond. यहां पर उप सह संयोजक बंध. So we use this catalyst here. Here AT is the ethyl. मैंने लिखा यहां पर this is the ether. AT2O is the diethyl ether. Diethyl ether, right? And what it will form? It will form this form 2-acetyl furan. It will form 2-acetyl furan. Now, further, the next reaction is mercurization, right? What we introduce in this reaction, mercury. Clear? अब होता यह है कि हम जब फ्यूरेन में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, दिस इज द मर्क्यूरिक क्लोराइड, राइट, दिस इज द मर्क्यूरिक मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक, राइट, दिस इज द मर्क्यूरिक क्लोराइड एटॉमिक नंबर 80, दिस इज इन द सिक्स्थ प्लेयर last transition metal of third transition series, that is LACERNDPM, it's not LAHFTAWREOSIRPTAUHG. So it's the last element. We start from lanthanum, sixth period, right? Sixth period mein we start from 57 to 80. This is the mercury fluoride. Bacho, What we are using here? This is aqueous sodium acetate. Aqueous sodium acetate में mercury की reaction कराते हैं, mercuric chloride की reaction कराते हैं, so that यहाँ पर formation of this and ये जो होता है, ये मैंने लिखा है कि चूंकि mercury समूह को हम bromine, iodine या SI group से आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अतः mercury derivatives are very good intermediates right so mercury derivatives are very good intermediate used as important intermediate to prepare many compounds isse alag alag tarah ke compounds bante hain kyunki this can be easily replaced by BRI or CH3CO acetyl SI group. Clear? So this is the reaction, mercuration. Now the next reaction is the Bomberg reaction. बच्चों ये सारी reactions बहुत important हैं और मैं आपको बता दूं कि right from the benzene, toluene, phenol, aniline, nitrobenzene, benzaldehyde, ये सब आपने reactions topics किस में पढ़े हैं? 12th standard में. तो 12th और 11th standard में लगभग इन reactions के बारे में आपने पढ़ा है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एरोमेटिक कंपाउंड यहां चेंज कर रहे हैं. पहले हमने पिरोन के बारे में पढ़ा था और अब हम फ्यूरेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट रिएक्शन इज बॉम्बर रिएक्शन. सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बॉम्बर रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वी आर यूजिंग हियर दिस डाई एजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फ्यूरेन. दिस डाई एजोनियम ईएम अमोनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, सल्फोनियम, नाइट्रोनियम, राइट, इलेक्ट्रोफाइल. दिस डाई एजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फ्यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एराइल. दिस इज एराइल. एरिन्स कहते हैं बेंजीन को, राइट. तो दिस इज द टू एराइल पिरोल. नेक्स्ट रिएक्शन इज द मैनिच रिएक्शन. बच्चों मैनिच रिएक्शन एमीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना. हम जब भी मैनिच रिएक्शन का याद आता है तो हमें फटाक से हम
सीधा आइदर एलिफेटिक एमिन्स और एरोमेटिक एमिन्स से हम चले जाते हैं। यहां पर फ्यूरिन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड, वी आर टेकिंग फॉर्मल्डिहाइड HCHO और वी आर यूजिंग एसिड एल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड विद सेकेंडरी एमीन, दिस इज NN डाइमिथाइल लाइक दिस, this is NN, both alkyl group attached with the nitrogen, so this is NN dimethyl amine, right? यहां पर react with this and formation of this sort of compound, इसका ये इस तरह का इसके अंदर compound बनता है and this is called मैनिच बेस, राइट, दिस इज द मैनिच रिएक्शन। नाउ फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन अगेन वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है इसके अंदर कि फ्यूरेन से थायोफीन भी बनता है और फ्यूरेन से पिरोल भी बनता है, राइट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन रिएक्शन। तो आपसे कई बार हो सकता है आधा नंबर का या एक नंबर का सवाल पूछ ले कि आप फ्यूरेन से पिरोल कैसे बनाओगे, फ्यूरेन से थायोफीन कैसे बनाओगे। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर स्पेसिफिक रिएजेंट्स, वी यूजिंग हियर P2X7 फास्फोरस हेक्सासल्फाइड, राइट, इसको हीट करते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ थायोफीन, और वी आर यूजिंग फ्यूरेन, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सो दैट रिमूवल ऑफ दिस and formation of this type of pyrrole, right? So this is the inter conversion of furan into thiophene and pyrrole. Our last reaction, electrophilic reaction, reaction with N-butyl-lithium. बच्चों N-butyl-lithium क्या हो गया? N-butyl-lithium हो गया CH3, CH2, CH2, CH2. It's not N-butyl. This is the butyl lithium, right? It's an organometallic compound. This is RLI, methyl, ethyl, propyl, butyl, right? So we are using here. This is butyl lithium. Pyrrole reacts with butyl lithium so that यहां से एक H निकलेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इमीडिएट ये रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टू दिस इज लिथियम फ्यूरेन। नाउ फर्दर दिस रिएक्ट विद CO2 इन द एसिडिक मीडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ये जो होता है लिथियम ये किसमें बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरोइक एसिड। So that in the part 9, aromatic reactions of furan is over almost, ठीक है, and बाकी इसका जो aromatic properties के बारे में मैं इसको part 10 में discuss करूंगा। That's all, thank you.